हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुकिंग। आज हम सूजी का बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाने जा रहे हैं। बहुत ही क्विक नाश्ता है, 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है, तो आप किसी भी ओकेजन पे इजीली इसको बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो चलिए हम सूजी का नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब सूजी लिया। आप कोई भी मोटी बारीक कोई भी सूजी लें, आधा कप दही और थोड़ा सा हरा धनिया, टमाटर चॉप किया हुआ, कैरेट ग्रेट की हुई, प्याज, और इसकी जगह पे आप कोई भी अपनी मनपसंद की सब्जियां ले सकते हैं, नमक और ब्लैक पेपर। तो पहले हमने बड़ा बाउल लिया है, तो उसमें हम दही डाल देंगे। दही को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ध्यान रहे कि दही जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो इसमें हम 1 कप के करीब सूजी डाल देंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और यहाँ पे मैं इसमें 1/2 कप के करीब पानी डाल रही हूँ। पहले हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, उसके बाद बाकी का भी पानी इसमें डाल देंगे। अब ये हमारा बैटर तैयार है, तो इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। सूजी जो है वो पानी में डालने से फूल जाती है। तो 10 मिनट हो चुके हैं, आप देखिए हमारी सूजी अच्छी तरह से फूल चुकी है। तो अब हम इसमें कटी हुई सब्जियां डाल देंगे, जैसे कि इसमें हम प्याज डाल देंगे चॉप किया हुआ, ग्रेट की हुई कैरेट और चॉप किया हुआ टमाटर इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें मटर या फिर चॉप करके शिमला मिर्च को भी डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। नमक डालेंगे 1 चम्मच के करीब और 1/4 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं इसमें, जो भी आपका मन करे सब्जियां वो डाल सकते हैं। स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको तीखा पसंद है तो हरी मिर्च काट कर इसमें डाल सकते हैं। तो ये हमारा थिक बैटर है, थोड़ा सा इसमें पानी और डालेंगे। 1/4 कप के करीब मैंने इसमें और पानी डाला है, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर सकते हैं थिकनेस के हिसाब से। तो इस तरह का हमें थिक बैटर इसका तैयार करना है। जो हमारा बैटर तैयार है, तो इसमें हम इनो डालेंगे। ये बहुत ही क्विक प्रोसीजर है, जब भी हम इसको पकाना है उसी टाइम पे इनो डालेंगे। तो इसके साथ ही हमारा तवा भी हीट हो चुका है, तो 1 चम्मच के करीब हम इसमें इनो डाल देंगे और इसको मिला लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना, और तवा गर्म है तो चलते हैं इसको पकाने के लिए। तवे को ग्रीस कर लेंगे कुकिंग ऑयल से और 1 कड़छी भरकर बैटर इसके ऊपर डाल देंगे। आप इसको बड़े आकार में या छोटा किसी भी साइज का बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको हल्का हल्का ऊपर से फैला दें। ऊपर से गार्निश के लिए थोड़ी सी मैं ग्रेट की कैरेट और प्याज चॉप किया हुआ, टमाटर चॉप किया वो हल्का सा डाल देंगे, दिखने में अच्छा लगता है, और उसको ऐसे ही पकने देंगे। आप इस बैटर को किसी भी टाइम पे बनाकर रख सकते हैं। जब भी आप इसको पकाना हो उसी टाइम पे आप इसको इनो डालकर इसमें और इसको गर्मा गर्म बना सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही क्विक बन जाता है। तो एक तरफ से पकने के बाद इसको टर्न कर देंगे और दूसरी तरफ से भी ये हमारा पककर तैयार हो गया है। इसको ऐसे ही दूसरी तरफ से दोनों तरफ से पका लेंगे। ये हमारा एक बनकर तैयार है, ऐसे के ही हम बाकी के भी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब 1 कड़छी भरकर दोबारा इसके ऊपर डाल देंगे, हल्का सा फैला दें इसको, इसको एक तरफ से पकने देंगे। अगर इसमें आप हल्का सा नींबू का रस भी डाल देंगे तो उससे भी इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो ऐसे ही हम इसको भी बनाकर दोनों तरफ से पकाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे सूजी के उत्पम बनकर तैयार है, खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं। 10 मिनट में आपका जो स्नैक बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।